पप्पू ने संता के सिर पर एक अजीब सी टोपी देखी तो पूछा, पापा ये आपने आज अजीब सी टोपी क्यों पहनी हुई है? संता ने जवाब दिया, बेटा यह रेगिस्तान में गर्मी से हमारे सिर की रक्षा करती है। पप्पू, आपने कपड़े भी अजीब किस्म के पहने हुए हैं, ऐसा क्यों? संता, बेटा ये खास प्रकार के कपड़े हैं जो बहुत गर्मी में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। पापा, आपने अजीब प्रकार के जूते भी पहने हुए हैं, ऐसा क्यों? बेटा, रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म होती है, उसमें चलने के लिए यह एक खास प्रकार का जूता है। पप्पू, तभी आपके ऊपर चुटकुले बनते हैं पापा, जरा आंखें खोल के देखो, हम रेगिस्तान में नहीं मनाली में हैं। एक लड़के को कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद आई, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके एक दोस्त ने आइडिया दिया, कहा कि 100 के नोट पर अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे दो। लड़के ने ऐसा ही किया और उस नोट को लड़की के पास फेंक दिया और बोला, तुम्हारा नोट गिर गया है। उस लड़की ने चुपचाप नोट उठाया और कैंटीन में जाकर उन पैसों से समोसे खा लिए। अब कैंटीन वाला रोज मैसेज करके उस लड़के से पूछता है, समोसे कैसे थे मैडम, अब दोबारा कब आओगी समोसे खाने? पहले के आशिक, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। और आजकल के आशिक, तुम मेरी हो, तुम भी मेरी हो, और तुम भी मेरी हो। एक लड़की ने पिज्जा शॉप में जाकर एक पिज्जा ऑर्डर किया। वेटर, मैडम इसके 4 पीस करूं या 8 पीस? लड़की बोली, 4 पीस ही कर दो, 8 पीस खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी।